सदगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर नवाजा। पांच प्रण हमें ज्ञान देने से पहले पांच प्रण हमें बतलाए, तीन लोक नौ खंड जो ये माया दृश्यमान है ये दिखाई हमें, और इनको पृथक करके बताया कि तू जिस परमात्मा की तू भक्ति कर रहा है, जिस ईश्वर को तू पूज रहा है, वो तेरे निकट है और बहुत विशाल है और तेरे निकट से निकट नजदीक है। तो ऐसे परमात्मा के दीदार कराए, जो तलियों का इशारा देकर निराकार प्रारंभ के जब दर्शन हुए वास्तव में इसे देखकर, तब जब ज्ञान समझ आया, जब आप जैसे प्यारे संतों का साथ मिला, बार बार सत्संग में जाते रहे, आपकी वाणियां सुनते रहे, तो ये ज्ञान तुरंत समझ आ गया कि पता चला वास्तव में जिसे मैं ढूंढ रहा था, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जगह जगह जिसे ढूंढ रहा था, जिसकी मैं नाना प्रकार से भक्ति कर रहा था, जो मैं बचपन में कविता पढ़ती आ रही थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए हैं, उसे प्रेम से सी झुकाए, जिस ईश्वर की हम वंदना कर रहे थे वह मुझे सामने ही मिल गया है, अब मैं इस ईश्वर के चरणों में सी झुकाता हूँ। यानी कि साकार सद्गुरु निराकार ये पारब्रह्म साकार साकार में प्रकट होकर इसने अपने दीदार करा दिए, साकार में भी और निराकार में भी। ऐसा परमात्मा जो आदि है, अनंत है, अथाह है, असीम है, अंगसंग में बसा हुआ है, अंगसंग में हमारे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आंख से भी नजदीक, इतने नजदीक है कि इतना विशाल भी और इतना सूक्ष्म भी है, जो बिना गुरु ज्ञान के हमें दिखाई नहीं देने वाला है। हम संसार में भक्ति करते चले आ रहे थे लेकिन अनजान होकर, अज्ञानता में हमें किसी तरह का बोध नहीं था। धीरे धीरे सदगुरु की असीम कृपा हुई, आप प्यारे प्यारे संतों का साथ मिला, सदगुरु ने तीन कर्म भी बताए, सेवा, सत्संग, सुमिरन। ये तीन कर्म हमें बताए कि ये करने बहुत जरूरी है। जैसा जैसा सदगुरु ने बताया वैसा वैसा हम करते गए, सेवा के भाव, सत्संग और सुमिरन। सुमिरन हमें बताया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनु बख्श लो। तो सदगुरु की असीम कृपा से जब ये निराकार प्रारंभ से तार जुड़ गई, और देखो सत्संगत जी, सदगुरु ने अपनी बोली, अपनी भाषा सबको सत्संगत जी इस तरह से दी है, हर एक गुसिक इस प्रभु का गुणगान करता है। धीरे धीरे हम सत्संग करते हैं, एक एक संत का अनुभव हम जीवन में सुनते हैं, और वो अनुभव हमारे साथ भी होते हैं, हमारे भी अपने अनुभव होते हैं, वो अनुभव कि वास्तव में किस तरह से कदम कदम पर मेरा परमात्मा हमारा साथ दे रहा है, किस तरह से कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है। तेरी ओट सहारा तेरा, तेरी ओट में रहकर, तेरे सहारे में रहकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना सब सिखलाया मुर्शिद ने, सब कुछ। आज जो भी ये दो शब्द चाहे निकल रहे वाणी से, बोलने वाला तो सदगुरु होता है, हृदय में बैठा हुआ सदगुरु है, यही बोल रहा है, यही सुन रहा है। कभी कहते हैं गुरु सिख गुरदी अखनाल वेखे, गुरुदे करनाल सुन जाए, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती सुन जाए। जो गुरु सिख होता है वो गुरु की आंख से देखता है, गुरु के कान से सुनता है, गुरु की जुबान से बोल रहा है, गुरु ही सुनने वाला होता है, गुरु ही सुनाने वाला होता है। तो ये सत्संगत जी ये बात फिर समझ में आती है, और फिर होती है भक्ति शुरू। अब भक्ति करने जब शुरू हो जाती है तो प्रभु परमात्मा को हम अपने सामने देखते हैं, अपने अंगसंग देखते हैं, इससे बातें करते हैं, इसका स्मरण करते हैं, क्योंकि ये अंतर्यामी है, ये हर बात सुन रहा है, घट घट वासी है, निरंकार घट घट का वासी, सबके मन की जान रहा, इस दुनिया में कौन है कैसा सबको ही पहचान रहा, जर्रा जर्रा आंख है इसकी, जर्रा जर्रा देख रहा, बिना हाथ के इस दुनिया के काम सभी ये कर रहा, बिना पैर के चलता है ये कुल दुनिया को चला रहा, बिना कान के सुनता है ये दुनिया की फरियाद है, कितना किसको कब देना है इसको रहता याद है। तो ऐसा परमात्मा, ऐसा निरंकार, ऐसा अविनाशी हमें मिला हुआ है, जो हमारी बात, हमारी हमारे भाव, हमारे मन के भाव सब जान रहा है, अंतर्यामी है। और आप जैसे प्यारे संत महापुरुषों का भी हमें साथ मिला गुरु, क्योंकि संत कहते हैं जब संत मिले, संत तब तब सत्संग जी गुरु के दर्शन हुए, संतों ने बताया कि आज वक्त का रह भर आया है, आज परमात्मा ईश्वर को दिखाने वाला आज धरती पर प्रकट हुआ है। तो संतों की बात मानी
और गुरु की असीम कृपा हुई, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती है तब तक सुलभ नहीं होता है। हम रामचरितमानस, गीता, रामायण, भागवत, चाहे कितने ग्रंथ हम पढ़ते हुए आए, लेकिन हमारी बात एक भी समझ में नहीं आई। एक हम छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कविता हमारी समझ में नहीं आई, आज हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है, आज हमारे बात समझ आ रही है। वास्तव में जो असली अब शिक्षा नर्सरी से हमारी जो पढ़ाई अब शुरू हो रही है वो अब बात समझ में आ रही है। और आप संतों का साथ मिला, क्योंकि आपके ही जो बोलाते हैं साधु के जो बोलाए सुनना और सुनाना है, आपके जो बोलाते हैं उनको सुनना भी है, जीवन में धारण भी करना है, और वही वचन सुनाने भी हैं, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान और उसे जीवन में भी लागू करना है। सद्गुरु के वचनों का पालन करते हुए उसे जीवन में भी लागू करना है। कहते हैं कि संत हरि के मीत है मेरे, रहते पास में सुबह शाम, कहे अवतार ऐसे संतों को, कोटि कोटि मेरा प्रणाम। आप ऐसे संतों को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। वास्तव में ऐसा न्यारा दर, दुनिया से न्यारा मेरा सद्गुरु का दर है, ऐसा न्यारा दर कहीं भी नहीं है। क्योंकि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुई। ऐसा सद्गुरु जिसने आशा संगत जी हमें बता दिया है कि सब एक पिता की संतान है, तो तभी इतना प्रेम हो रहा है, तभी एक दूसरे की बात सुनने में इतना ध्यान लग रहा है, इतना मन लग रहा है, क्योंकि वो बात मेरे हित की है, मेरे भलाई की है, उस बात के अंदर मिला भला छिपा है, तभी ध्यान से हम सुनते हैं। चाहे एक भजन को हम 10 बार सुन ले दिन के, फिर भी हमें आनंद ही आ रहा होता है, फिर भी हमें आनंद ही आ रहा होता है, क्योंकि इस परमात्मा का गुणगान हो रहा है। जब जीवन में सद्गुरु आता है तभी भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो हम ले लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद अगर हम घर में बैठ जाते हैं तो भक्ति नहीं हो पाती है। अगर ज्ञान लेने के बाद हम 3 कर्म करते हैं, सेवा, सत्संग, सुमिरन, सत्संग में हम बार बार जाते हैं, तो भी धीरे 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 बात हमारी जब समझ आती है फिर भक्ति शुरू होती है। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो हमारे अंदर धीरे धीरे सहनशीलता, नम्रता, प्यार, धैर्य, ये सारी बातें फिर हमारे अंदर आने लगती हैं। किस तरह से हम समझ जाते हैं कि सहनशीलता क्या है, धैर्य क्या है, नम्रता क्या है, प्यार क्या है, और धीरे 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 जब ये भाव अंदर से आने लगते हैं और ये गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु ने तो हम तो अवगुणों से भरे हुए थे, हमारे एक भी अवगुण नहीं देखे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। ये दयानिधि, ये दया करुणा के सागर किस कारण हमसे रिझ गया और अपने चरणों से लगा लिया। अब इसने मेरे अंदर सारे अवगुणों को धीरे 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 बाहर निकाल रहा है, इसने देखे नहीं मेरे अवगुण, अपने चरणों से लगा लिया, लेकिन मैं तो अवगुणों से भरा हुआ था। इसने धीरे धीरे मेरे अवगुण दूर करता गया और गुण मेरे अंदर बढ़ता गया। फिर पता चला कि सहनशील हमें किस तरह से बनना है, क्योंकि सहनशील एक ऐसा गहना है जो हमें सासंगति अंदरूनी ताकत देता है, अंदरूनी। आज हमें पता चलता है सहनशीलता क्या है, नम्रता क्या है, धैर्य क्या है। फिर अगर ये भाव समझ आ जाते हैं, ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो फिर भक्ति शुरू होती है। जब भक्ति शुरू हो जाती है फिर ये मन सत्संग जी मंदिर बन जाता है, फिर ये मन मंदिर बन जाता है, क्योंकि भक्ति हो रही है, अब मन मंदिर बन गया, अब इस मन में इस प्रभु के सिवा कोई भी विराजमान नहीं रहता है, फिर प्रभु इस हृदय में समा जाता है। भक्ति करने वाला जो मन होता है वो निर्मल हो जाता है, भक्ति करने वाला जो मन होता है वो पावन हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, और वास्तव में जो मन भक्ति करता है वो हितकारी हो जाता है, दूसरे की भलाई करने लगता है, फिर मोम की तरह मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है, उसके अंदर करुणा भर जाती है। ऐसा हृदय आप संत महापुरुषों का मेरे सदगुरु ने बनाया है, और आपके अंदर ये सारे गुण भरे हुए हैं, प्रेम दया आपके अंदर है, उपकारी भाव आपके अंदर है। सदगुरु ने हमें आनंद दिया है तो हम आनंद में ही थे और आनंद में ही हैं, आनंद में ही रहेंगे। ऐसे परमात्मा को आपने देखा है तो आप जान रहे हैं कि आपके सामने सुख दुख कुछ नहीं होता है, अब आप केवल आनंद में जीवन जीते हैं। आप जान रहे हैं कि प्रभु की रजा में ये सब हो रहा है, प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। आपके लिए अब जिंदगी आसान हो गई है, आपके लिए जिंदगी आसान हो गई, आपने जान लिया कि ये मेरे सदगुरु का खेल है। जैसा ये चाहे जैसा तू चाहे वैसा हो जाए, जैसा मैं चाहूँ वो न हो,
क्योंकि तेरी मर्जी में मुझे रहना आ जाए, ये भाव फिर आपके बन जाते हैं, तो फिर आप अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। आप जीवन जी रहे हैं, ये आपका जीवन जो है शुरू हुआ गुरु दर में आने के बाद। ही दासी का जीवन तो शुरू हुआ गुरु के दर में आने के बाद, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना जो होती है, हम कहते हैं कि दुर्घटना हो गई, क्योंकि दुर्घटना होने वाली थी लेकिन होने से टल गई, क्योंकि गुरु जीवन में आ गया। दुर्घटना क्या होती, संसार में आए मनुष्य योनि में और आज आए वैसे ही चले जाते, लेकिन गुरु ने कृपा करी, इस परमात्मा के दर्शन कराए, आप जैसे संतों के बीच बैठाया, तो आज हमारा जीवन सुखी और सुहेला हो गया है। तभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, युग सुंदर सदियां सुंदर, हर पल सुंदर गर मानव जीवन हो सुंदर, सदियां सुंदर। वास्तव में मानव जीवन आज सदगुरु कृपा से सुंदर हुआ, तो अब हर पल हमारा सुंदर हो गया, अब हमारा हर पल सुंदर है, हम आनंद में जीवन जी रहे हैं। एक एक संतों की वाणी हम सुन रहे हैं, एक एक संतों की अमृत वाणियां होती है, जो अमृत का काम करते हैं। अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है, अमृत आपकी जो वाणियां हैं यही अमृत बरसाती हैं, यही हीरे मोती रूपी बर्तन होते हैं। हीरे मोती कोई तत्व या वो नहीं होते हैं पदार्थ, हीरे मोती जो है वो आपके बर्तन है जो हमें सुख देने वाले होते हैं। आज सदगुरु कृपा से हमें राम नाम रूपी धन मिला है, तो हम सब धन, गज धन, गो धन, वाज धन और तन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान। राम नाम रूपी धन हमें मिला तो बात समझ आई और हमारे अंदर संतोष आया और हम आनंद से जीवन जी रहे हैं। आप संतों की एक एक वाणी हर जगह की, आज सत्संग जी हम बोली भाषा के भी मोहताज नहीं है, किसी भी भाषा में किसी भी बोली किसी तरह से भी आप इस हरि का गुणगान करो, बात समझ आ जा रही है, बात समझ आ रही है कि इसी का गुणगान हो रहा है, चाहे आप किसी भी भाषा में बोले, आज एक एक भाषाएं समझ आती हैं। जब हम संसार के बीच में जाते हैं, हमारे अपने भाई बहनों से हम कहते हैं कि हमें पंजाबी बोलनी भी आती है, हम राजस्थानी भाषा भी बोल सकते हैं, हम हर भाषाओं का हमें बोध हो रहा है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि धन्य हुआ, भोजपुरी में भी हम भजन गा लेते हैं। तो हे सदगुरु, तेरी ही कृपा है, तेरी तेरी असीम कृपा है कि किस तरह से आज तूने सबको एक बना दिया है, सबको एक, यही कारण सब हो रहा है, ये प्रेम विलाप सब हो रहा है। तो आप संत महापुरुषों के भी कभी भविष्य में माता जी कृपा करेंगी, संगतें होंगी, एक दूसरे संत महापुरुषों के दर्शन होंगे, आप संत महापुरुषों के दर्शन होंगे, तो दर्शन भी जीवन में जरूरी है। माता जी जरूर प्रयास करेंगी, क्योंकि हमें तो कहना कुछ नहीं है, माँ पर सदगुरु पर छोड़ देना है, जो करेंगी ये करेंगी, हमने ये आनंद लूटना है और लूटते चले जाना है। बहुत बहुत शुक्राना करती है, आपसे बहुत कुछ दासी को सीखना है, एक एक संत से सीखना है, सीखने के भाव दासी के बने और खाली होकर गुरुदर पर बैठे और झोली भर कर ले जाए, यही अरदास प्रार्थना है। सारे सुख पादे सभी संतादि झोली भी फिर भी मिलाए रखना संतादि टोली भी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।